एक ऐसा केकड़ा जो आकार में इंसानों से भी बड़ा है, कैसे आप फ्यूचर का नज़ारा देख सकते हो। और एक ऐसी मुर्गी जो काले रंग के अंडे देती है। तो तैयार हो जाओ कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। नंबर 10, ब्रिटेन के रहने वाले इस शख्स को दरअसल डॉग की तरह रहने का शौक है। इस शख्स का नाम भी टॉम है, जो डॉग की तरह दिखने के लिए हमेशा डॉग की तरह ड्रेस पहनते हैं। और टॉम सिर्फ डॉग की तरह रहने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनकी तरह चलते और खाते भी हैं। नंबर 9, कुदरत का एक ऐसा अनोखा फूल जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल अनगुलुवा यूनिफ्लोरा नाम का एक ऐसा फूल है जिसे पहली नज़र में देखने पर ये एक सोते हुए बच्चे जैसा दिखाई देता है, पर असल में ये एक फूल है। नंबर 8, अगर हम दुनिया में सबसे लंबी गर्दन की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि थाईलैंड में बसने वाली कयान जनजाति की महिलाओं की गर्दन सबसे लंबे होते हैं, क्योंकि इस जनजाति की महिलाएं बचपन से ही अपनी गर्दन में भारी पीतल की रिंग पहनती है, जिसकी वजह से इनके गर्दन का स्ट्रक्चर लंबे हो जाते हैं। नंबर 7, इंडोनेशिया में पाई जाने वाली इस दुर्लभ प्रकार की मुर्गी को देखकर आप हैरान हो जाओगे। इस मुर्गी के पंख और स्किन तो काले हैं ही, बल्कि हड्डियां और अंदरूनी अंग तक काले हैं, और यहां तक कि इस मुर्गी के अंडे भी काले ही होते हैं। नंबर 6, डिसेबल्स हेड। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर रोमानिया के प्राचीन राजा के हैं, जिनके विशाल चित्र नदी के किनारे एक पहाड़ पर बना हुआ है। ये यूरोप की सबसे लंबी ऊंची चट्टान की मूर्ति है, और इस मूर्ति को 12 मूर्तिकारों की टीम ने 10 साल की कड़ी मेहनत से इसे बनाया गया था, और ये यूरोप के अंतिम राजा की तस्वीर है। नंबर 5, दुबई में दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर मौजूद है। 7 मंजिला ये म्यूजियम पूरी तरह से फ्यूचर को समर्पित है। यह म्यूजियम विजिटर्स को फ्यूचर की ऐसी जर्नी को शेयर कराता है, जहां वे साल 2071 के टेक्नोलॉजी और दुनिया को देख सकेंगे। नंबर 4, मंगोलिया जाति की एक मम्मी को साल 2014 में 10,000 की फीट की ऊंचाई पर खोजा गया था। इस मम्मी में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसके पहने हुए जूते आज के एडिडास स्पोर्ट्स शूज की तरह ही दिखते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे डरावना जंगल हुआ बसियू है, जो रोमानिया में मौजूद है। यहाँ के निवासियों का मानना है कि इस जंगल में रोने की और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, और यहाँ पर राजपुर की भी शूटिंग होने वाली थी, पर यहाँ के सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। नंबर 2, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखो। ये तस्वीर इस बात को दर्शाती है कि कैसे एक सूर में इतनी पृथ्वी समा सकती है। आपको बता दें कि सूर पृथ्वी से 9 गुना बड़ा होता है, और एक सूर में लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। नंबर 1, यह केकड़े की ऐसी प्रजाति है जो आकार में इंसानों से भी बड़े होते हैं। ये केकड़े जापान के पास समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जापानी स्पाइडर स्क्रैप कहा जाता है। और इस प्रजाति के केकड़े की उम्र भी बहुत लंबी होती है। इस प्रजाति के केकड़े लगभग 100 साल तक जीवित रहते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, क्योंकि फैक्ट्स कभी ख़त्म नहीं होते।